कभी आवेश में तो कभी जानबूझकर तो कभी नादानी में पाशा सदन में अपने भाषण के दौरान अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर भोपाल नगर निगम में अब पार्षदों से ऐसे शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की तर्ज पर भोपाल नगर निगम ने 338 शब्दों को असंसदीय शब्द घोषित कर दिया है। अगर पार्षद इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनके बयान को कार्रवाई से हटाया जाएगा। वहीं बार बार असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल करने पर पार्षद को सदन से भी बाहर किया जा सकता है। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के पहल पर भोपाल नगर निगम ने 838 शब्दों को असंसदीय शब्द घोषित कर दिया है। इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर पार्षद के बयान को कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। वहीं अगर कोई जानबूझकर बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ स्पीकर द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर से चर्चा करके 838 असंसदीय शब्दों की सूची तैयार की गई है। भविष्य में जरूरत पड़ने के अनुसार इन शब्दों में संशोधन भी किया जाएगा और सभी पार्षदों को शब्दावली की बुकलेट उपलब्ध करा दी जाएगी। बेहद खुशी है कि भोपाल की नगर नियम देश की ये पहली नगर नियम है जो लोकाचार, लोक व्यवहार, सदन मर्यादा, आसंदी का सम्मान, सदन में सदस्यों के एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव और असंसदीय शब्द, इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। कभी जाने अनजाने में किसी सदस्य द्वारा अगर इन 838 शब्दों में से कोई शब्द सदन के संचालन के दौरान उपयोग में अगर लाया गया तो ये माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।